नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तेली समाज के लोगों के साथ संवाद कार्यक्रम करेंगे और ये संवाद कार्यक्रम उनके सरकारी आवास पर होगा। ये देख सकते हैं कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर बाद तेजस्वी यादव यहाँ आएंगे और संवाद करेंगे तेली समाज के साथ। आप बैनर में देख सकते हैं राजनीतिक भागीदारी को लेकर तेली साहू समाज के बिहार के भविष्य नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को के साथ संवाद कार्यक्रम। आज दरअसल इन लोग अपनी डिमांड के साथ आए हैं आगामी बिहार विधानसभा को लेकर, और ये अपनी बातों को तेजस्वी यादव के समकक्ष रखेंगे। और हम सबसे पहले तेली समाज की कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं, आखिर क्या कुछ इनकी डिमांड से, आप लोग क्या कुछ डिमांड्स को लेकर आज संवाद कार्यक्रम करने जा रही हैं तेजस्वी यादव के साथ? जी हम लोग, हाँ आइए दी, हम लोग आज साहू समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए सारी महिलाएं लोग आए हुए हैं, और हम लोग अपने जो नेता हैं रणविजय साहू जी उनके समर्थन में आए हुए हैं, और यहाँ पर पूरे बिहार से हमारे समाज के लोग आए हुए हैं, और हम लोग की जो भी बातें होंगी वो हम लोग तेजस्वी यादव जी से बातचीत होगी, और जो भी हम लोगों का समस्या होगा वो हम लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सीधा संवाद होगा आज तेजस्वी यादव के साथ, आप लोग क्या क्या बातें करनी है आप लोगों को? हम अपनी जनसंख्या, हमारी जाति का जो संख्या है उसके आधार पर हम यहाँ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ख्याल से ही हमारे पूरे बिहार प्रदेश के सारे तेली भाई बंधु जो इकट्ठा हुए हैं, ताकि जितनी हमारी आबादी बनती है, जितना हमारा हक बनता है उतना दिया जाए। क्योंकि इसके पहले जब उनके पिताजी लालू प्रसाद जी राज किया करते थे तो हमारे जाति को बहुत मान और सम्मान मिलता था। आज के दिन में हमारे जाति को कोई भी पार्टी उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है। इवन हमारे पूर्व में हमारे तीन तीन चार चार विधायक हुआ करते हैं, दो MLC हुआ करते हैं, तो हम चाहेंगे कि वो चीज़ पुनः हमें प्राप्त में हमें सम्मान मिले, और जहां हमें सम्मान मिलेगी पूरा बिहार के पूरे जाति लोग हमारे अध्यक्ष जी के कोऑर्डिनेशन में सारे लोग हम समर्थन करेंगे तेजस्वी यादव को, ताकि हमें पूर्ण भागीदारी मिले, हमारे समाज को उपेक्षा दृष्टि ना देखा जाए। क्योंकि आए दिन हम रंगदारी से, बहुत सारी घटनाओं से पीड़ित हैं, वो सब पर अंकुश लगे और हम सुनिश्चित हो हमारी भागीदारी। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जो आप लोगों को डिमांड है कि 10 विधानसभा सीट पे तेली समाज के उम्मीदवारों को उतारे, वो जो पूरी करेंगे आपकी डिमांड्स को? बिल्कुल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हमारे पूरे बिहार के हर एक जिले से लोग यहाँ पे आए हैं, और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। आगे 1990 के दशक में भी लालू प्रसाद यादव जी ने काफ़ी हमें सपोर्ट किया है, काफ़ी हमारी भागीदारी के लिए आवाज़ उठाई है, अति पिछड़ों को बहुत शक्ति दी है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि फिर वही हम लोग के साथ हो। हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा मतलब छला गया है राजनीतिक पार्टी के द्वारा, 7% होने के बावजूद भी हम लोगों को सत्ता में भागीदारी नहीं दी गई है। इसी के लिए अब सब तेली समाज जाग चुका है, और हर पार्टी से उम्मीद है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद हमें तेजस्वी यादव जी से है, जिसको JDU से क्यों उम्मीद नहीं है? उम्मीद है सभी पार्टी हमें सम्मान दें, हम लोग भी उनका सम्मान करेंगे, जो पार्टी हमें टिकट देगी उनको हम जिताने का काम करेंगे। JDU से उम्मीदें नहीं है क्या, तेजस्वी यादव से ही उम्मीदें हैं? नहीं नहीं, सारे पार्टी से हमें उम्मीदें हैं, क्योंकि हम बैकवर्डों को बोलने का अधिकार सबसे पहले लालू प्रसाद ने दिया, जो बोले इसके पहले सारे बैकवर्ड लोग चुप रहा करते थे, उन्होंने पावर नहीं थी, न महिलाओं का आगे आने के पावर हो रहा था, सब लोग घर में बंद रहते, इसलिए हम इनसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि हमें ज़्यादा सम्मान मिलेगा इस पार्टी से, RJD से। पहले भी मिली है हमें, लालू प्रसाद यादव ने हम लोग को बहुत मुंह में आवाज़ दी है, इसलिए उनका आभार हम लोग प्रकट करते हैं, और उम्मीद भी उन्हीं से करते हैं। उम्मीद है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर तेली समाज के लोगों को उतारेंगे। आज संवाद कार्यक्रम होना है, खुद तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे, ये अपने डिमांड्स को रखेंगे, और तेली समाज का विकास को लेकर क्या रूपरेखा तैयार की जाए, इन सब चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।